Life cycle of social movements. This is the topic for this session, and this session basically deals with the discussion of main factors that contribute either in initiating or ending social movements. A good number of analyses reveal the fact that there is no clear start or end of social movements. Although आमतौर पर यही समझा जाता है कि कोई खास स्टार्टिंग पॉइंट होगा और फिर एक एंडिंग पॉइंट होगा लेकिन एकेडमिकली अगर हम देखें तो कोई ख़ास एक पॉइंट एक लम्हा ऐसा नहीं होता जब सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो या सोशल मूवमेंट्स का एंड डिक्लेयर हो बट वेरियस फैक्टर्स दैट आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद द स्टार्ट पीक एंड कलमेशन ऑफ अ सोशल मूवमेंट आर Highlighted as composing a life cycle of a social movement. Social movements emergence and mobilizing factors. Factors contributing to the beginning and then mobilizing of a social movement are like strain, conflict, and breakdown, and then political opportunity structures. स्ट्रेन का क्या मतलब है या कॉन्फ्लिक्ट और ब्रेक डाउन कैसे रिलेट हो सकते हैं सोशल मूवमेंट पे माशरे में मुशरे के अफराद के किसी ख़ास ग्रोह पर किसी ख़ास इशू की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ उनके अंदर इख्तलाफात ने जन्म लिया वो इख्तलाफ किसी खास दूसरे ग्रोह के साथ भी हो सकता है किसी ख़ास पॉलिसी के हवाले से होता है और फिर ऑल ऑफ ए सडन सिचुएशन जो है वो इस लेवल पर आ गई कि ब्रेक डाउन हो गया यानी तहरीक की तरफ जो है वो लोगों ने मूव किया स्टेप लिया कि अब हम बायदा तौर पर अपनी एक तहरीक चलाकर अपने प्रोटेस्ट को अपने हकूक़ के लिए या अपने नुक़ नज़र की प्रमोशन के लिए बाकायदा एक हमत अमली इख्तियार करने जा रहे हैं ऐसे ही बात जो हैं वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी बाज़ जो सियासी नुकतः नज़र होता है वो मैच कर जाता है बाज़ अव एक्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन्स जो हैं वो उस ख़ास लम्हे के साथ मैच कर जाती हैं यानी कुछ हकाए कुछ वाक़ पहले से होते हैं जब मैच कर जाता है ये सब कुछ तो फिर कलेक्टिव एक्शंस जो हैं दे फ्रेम फिर बाकायदा मजमू जामत अमली इख्तियार की जाती है आइंदा के लिए अब ये जो तो स्ट्रेन है स्ट्रेन इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ सोशल ऑर्डर इन अ सोसाइटी एंड इट सोशल मूवमेंट रेफर्स टू द पावर और क्रिएटिंग ओवर हिस्टोरिसज क्रिएटिंग हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसिस थ्रू कल्चरल पैटर्न अब आमतौर पर कहा जाता है कि तारीखी तौर पर भी ये देखा जाता है कि पहले से कोई तारीख़ पहले से कोई हिस्ट्री मौजूद है किसी ख़ास इशू के हवाले से अब जब एक ख़ास सिचुएशन पैदा हुई पीछे से भी कुछ हक मिल गए तारीखी तौर पर भी कुछ रवानी थी वाक़ की तो उन सब के मिक्सचर से जो है वो फिर सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं ख़ास तौर पर जो वो सोशल मूवमेंट्स जो किसी ख़ास आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हों या ख़ास तौर पर जो अर्बन सेंटर्स में डेवलप होती हैं वो कोई एक दिन में डेवलप नहीं हो जाती उनके पीछे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बजा आइडियोलॉजीज़ होती हैं बजात मुसलसल ऐसे वाकयात का होना है जिनके नतीजे के तौर पर लोगों में अनरेस्ट क्रिएट होता है उस अनरेस्ट का कोई सोलूशन जब उन्हें नज़र नहीं आता तो उन्हें नज़र आता है कि उन्हें अल्टीमेटली या तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को साथ में लाना है जो सियासी हो जो उनके साथ मिलकर जदोजहद में शामिल हो सकें तो फिर ऐसे स्टेज पर ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर अपनी जदोजहद का आगाज करते हैं बाज़ात रिसोर्स को मोबाइज़ करते हैं बाजाओत पूरा माशरा जो है उसके अंदर एक वेव आती है और फिर जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशनस होती हैं वो भी इन लोगों के साथ मिलकर जद की तरफ जो हैं वो गामजन हो जाती हैं बात ये तहरीकें जो चलती हैं उनके अंदर न्यू सोशल मूवमेंट्स और जो हिस्ट्री के साथ जो जो पुराने कुछ ऐसे इश्यूज भी मौजूद होते हैं जो लोगों को अंदाज़ा होता है कि ये पहले से मौजूद है आज तक इसका सोलूशन नहीं निकला तो अब अब हमें ज़्यादा फोकस किस पर करना है कलेक्टिव जो एक्शन फ्रेम्स हैं अब हमें उसकी तरफ जाना है ताकि हम मिलकर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर सोशली लोगों को मोबिलाइज़ करें और फिर ये जो सोशल मोबिलाइजेशन आउटकम्स होता है इन मूवमेंट्स का जो आउटकम है फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर ये तहरीकें जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती हैं इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं बाज़ात लोग देखते हैं कि स्टेट लेवल पर कोई ऐसी पॉलिसी बन गई जिसमें कोई सोलूशन नज़र आ गया या लोगों ने देखा कि उनकी पूरी एफर्ट्स के बावजूद भी वो कोई आउटकम ऐसा नहीं है उनके जद्दोजहद के नतीजे पर के जो उन्हें मतम कर सके तो लोग हिम्मत हार कर भी बाज़ात जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ोकात कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस बीच में से राइज़ करता है जो उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है तो कई दफ़ा तहरीकें कामयाब हो जाती हैं स्टेट उनको टैकल कर लेती है लेकिन कभी कभार ये तहरीकें जो हैं वो इतनी कामयाब नज़र नहीं आती और फिर उसके नतीजे पर लोगों के अंदर और ज़्यादा डिप्रेशन आता है और फिर वो पीसफुल मूवमेंट्स की बजाय बाज़ा एनोमिक एक्टिविटीज़ में तशद की तरफ माइल हो जाते हैं या उनके बिहेवियर जो हैं वो इतने रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं कि वो सोशल मूवमेंट्स की बजाय रेवोल्यूशनस की तरफ चले जाते हैं।